हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सर्विस सेंटर वाला मैटर, जहाँ सर्विस सेंटर वाले जैसे आपके फ़ोन का लॉक अनलॉक करते हैं और आपका डाटा भी डिलीट नहीं होता है, वही वाला मैथड मैं लेके आया हूँ, जिससे आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा बिना डाटा लॉस के, बिना सर्विस सेंटर के, बिना एक पैसा खर्च किए हुए। केवल आपका मोबाइल रहेगा फ्रेंड, मेरा ट्रिक रहेगा। यहाँ पे आप वीडियो अंत तक देखिएगा फ्रेंड, तभी आपका फ़ोन अनलॉक हो पाएगा, और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइएगा तभी आपका फ़ोन अनलॉक होगा, नहीं तो आपका फ़ोन अनलॉक नहीं हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो ध्यान से मोबाइल लेके बैठ जाइए, आप भी फ़ोन को मेरी तरह के तरीके से कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए इनका पिन लॉक लगा हुआ फ्रेंड, पिन लॉक लगा हुआ तो आपको इमरजेंसी वाले कॉल पे चले आना है। इमरजेंसी कॉल पे आने ऑप्शन पे आने के बाद फ्रेंड आपको ये कुछ कोड मैं दूंगा, उसे आप लोग अप्लाई कीजिएगा। इसको 3 टाइम कॉल कर देना है, 1 2 3। अब इसको डिलीट कर देना है। ऊपर में आपको वाईफाई को यहीं से ऑफ कर देना है। वाईफाई को ऑफ करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल FRP कोड दे रहा हूँ फ्रेंड, लास्ट में हैज लगाने पर इसको 7 टाइम कॉल कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस कोड को डिलीट कर देना है। अब आपको यहाँ पे मास्टर अनलॉकिंग कोड अप्लाई करना है, आपका FRP हट चुका है। अब यहाँ पे जैसे ही हैज प्रेस कीजिएगा, ये आपको इंजीनियर मोड वाले पेज पे लेके आएगा। तो अब आपको यहाँ पे करना ही होगा मैनुअल टेस्ट पे चले आना है। मैनुअल टेस्ट पे आने के बाद आपको यहाँ डिवाइस ड्राइविंग पे क्लिक करना है फ्रेंड, और सेंट्रल सेल्फ टेस्ट कॉन्फिगरेशन इसको ऑन कर देना है। ये एरर बता दिया फ्रेंड, तो एरर बताने के बाद आपको यहाँ पे जायरोस्कोप पे चले आना है और जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट को स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे देखते क्या होता है, ये पास हो चुका है, यानी कि आपका एरर हट चुका है। अब आपको यहाँ पे जी सेंसर को प्रेस करना है फ्रेंड, और कुछ सेकंड के लिए चालू करके छोड़ देना है। ये देखिए, अब आपको इसे भी बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर चले आना है, जो अदर वाला ऑप्शन है। आपको यहाँ पे रीड एंड रिपोर्टेड टेस्ट को एक बार कैंसिल करना है, दूसरी बार में इसको ओके कर देना है। यहाँ रॉन्ग पासवर्ड दिखा रहा है, यानी कि आप पहले से जो पासवर्ड ट्राई किए थे वो रॉन्ग था। यहाँ पे आपको रीड रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर को क्लिक करना है, और पता करना है कि आपका फ़ोन कहाँ तक अनलॉक का प्रोसेस चल रहा है। इसे पास होने का मतलब आपका 99% फ़ोन अनलॉक हो चुका है फ्रेंड। अब आपको यहाँ पे 100% करने के लिए की स्टेटस को प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे देखिए टोटल की पास हो चुके हैं, गूगल की भी पास हो चुका है। नॉट सपोर्ट जो बता रहा है वो फेस और फिंगरप्रिंट लॉक था, क्योंकि लगा हुआ नहीं था इसलिए नॉट सपोर्ट बता रहा। अब आपको यहाँ पे 3 टाइम बैक बटन को क्लिक करना है और आपका फ़ोन अनलॉक होगा फ्रेंड। यहाँ पे देखिए फ़ोन अनलॉक हो चुका है बिना डाटा लॉस किए फ्रेंड। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में वीडियो बताइए कौन से मोबाइल का लॉक खोलना है। और हाँ, इसमें आधा घंटा होने से पहले नया पासवर्ड लगा लीजिए, नहीं तो आपको ओल्ड वाला पासवर्ड लग जाएगा। तो मिलते अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।